हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन फायर। चले हम बनाते हैं दुबई की बिरयानी। आपने कभी खाई है दुबई की बिरयानी? चलिए आज हम बनाते हैं मजबूस, जो है अरबिक बिरयानी। वैसे भी दिसंबर 2 नेशनल डे आ रहा है दुबई का। वैसे मैं दुबई में रहती हूँ तो बनता है ना, क्या बोलते हैं आप? चलिए हम बनाते हैं मजबूस। मैंने ले लिया है 2 टीस्पून घी, 650 ग्राम चिकन को मैंने डाल लिया है। इसको हम सिर्फ पानी जाने तक पका लेंगे दोनों साइड से, इस तरह से। उसके बाद हम डालेंगे इसमें खड़े मसाले। मैं डाल रही हूँ 1 स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, 8 से 10 लौंग। अब नमक स्वाद अनुसार, फिर डालेंगे हम जीरा 1 टीस्पून, बे लीफ 3, तेजपत्ता 3 और दालचीनी स्टिक 1। फिर डालेंगे हम इलायची 6 से 7। फिर डालेंगे हम सूखा लेमन। आपने कभी सूखा लेमन यूज किया है? कमेंट्स में बताएगा। फिर मैंने डाला है 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको थोड़ी देर के लिए हम कुक कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम इसमें पानी। इसको हम पका लेंगे 60% तक, कुक होने तक हम चिकन को पका लेंगे। फिर हम लेंगे 1 कप चना दाल और इसको भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा है, देखिए। फिर हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसको हमको सिर्फ 5 मिनट तक बॉईल करना है, थोड़ा नमक डाल के। फिर हम ले लेंगे जैफरान, जो इस डिश की जान है। मैंने 1 चुटकी भर के जैफरान लिया है। इसको हम गर्म पानी डाल के हम छोड़ देंगे ताकि जैफरान अपना कलर अच्छे से आ जाए। मैंने ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि हम इसको ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, सो इसको मैंने 1/2 कप पानी में डाल के रखा हुआ है। फिर हम ले लेंगे 2 प्याज। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, जैसे हम अंडा भुर्जी बनाते हैं ना, उस तरह से प्याज को छोटा छोटा करके काट लेंगे। मैं 2 मीडियम साइज प्याज लिया था, मैंने देखिए मैंने काट लिया। फिर हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, इसमें सारे प्याज को डाल लेंगे। इसको फ्राई कर लेंगे बिना तेल और घी के। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। फिर डालेंगे हम बटर 2 टीस्पून। इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। हमको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ प्याज को पकाना है। देखिए प्याज पक चुकी है। हम क्या करेंगे, जो दाल हमने बॉईल करने के लिए रखा था उसको हम डाल लेंगे और दाल और प्याज को दोनों को अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। देखिए अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें हम डाल लेंगे राइजिंस। मैंने भिगो के रखा था पहले से 1/2 घंटे तक। फिर हम इसमें डाल लेंगे 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। फिर डालेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर लौंग का पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर डालेंगे नमक थोड़ा सा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे फ्लेवर आ जाए। फिर हम डालेंगे जैफरन वाटर। मैंने 1/2 पानी डाल दिया है इसमें, बैलेंस पानी हम फिर यूज करेंगे। इसको भी देखिए अच्छे से अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जैफरन और सारे मसालों की। हमारा दाल भी ऑलमोस्ट पक चुका है, देखिए अच्छे से पक चुका है। हम इसको साइड में रख देंगे। फिर देखिए हमारा चिकन भी गल चुका है ऑलमोस्ट 60% तक, क्योंकि इसके बाद हम चिकन को ग्रिल करना है। सो हम चिकन को बाहर निकाल लेंगे। हमारा चिकन 60% तक पक चुका है। फिर हम जो पानी है उसको हम छान लेंगे। देखिए हमारा चिकन ब्रॉथ रेडी हो चुका है।
फिर हम ले लेंगे 2 टीस्पून घी, फिर ले लेंगे स्टार एनिस, लौंग और दालचीनी स्टिक 1, 2 चिल्ली, हरी मिर्च 2। इसको हम पका लेंगे। फिर राइस मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रखा था, मैंने लिया है इंडियन बासमती राइस। इसको आधा घंटा भिगो के बनाने से आपका राइस जो फ्लफी फ्लफी और अच्छे से पकेगा। मैंने फिर डाला है इसमें पेपर 1/2 टीस्पून। फिर हम डालेंगे इसमें चिकन ब्रॉथ जो हमने फिल्टर करके रखा था ना, वो हम इसमें मिला लेंगे और इसको पका लेंगे। फिर डालेंगे हम नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बिकॉज हमने चिकन ब्रॉथ में नमक पहले से डाला हुआ था। तो आप ध्यान रखिए जब आप डालते हो ना, जो चावल के जितने ज़रूरत है उतना ही आपको नमक डालना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको चिकन वैसे स्लिट कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा मसाला, अगर आप कम मसाला खाने के शौकीन है ना, तो आपको तो मज़ा आ जाएगा डिश खा के। मैंने ऐसे थोड़ा सा पेपर से स्प्रिंकल किया है। फिर मैंने इसे थोड़ा सॉल्ट भी ऐसे स्प्रिंकल किया है। फिर हम क्या करेंगे, ज़ैफ़रान को इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए हमारा चिकन जो है अच्छे से कलर और फ्लेवरफुल हो जाएगा। जो ज़ैफ़रान का फ्लेवर है वो चिकन में और जगह और चिकन का टेस्ट में और अच्छा से बन कर आ जाएगा। इस तरह हम चिकन को सारा अप्लाई कर लेंगे दोनों साइड से। चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे हम। टर्न करके मैंने सिर्फ इसमें भी थोड़ा सा पेपर और नमक डाल के सेम प्रोसेस कर रही हूँ मैं। फिर हम इसको क्या करें, ग्रिल कर लेंगे। आप ओवन में रख के कर सकते हो और तवा में कर सकते हो। चिकन है ना तो जल्दी ही पक जाता है, मैं इसे ग्रिल पैन प्रेफर कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा बटर डाला था मैंने, फिर इसको ग्रिल कर लेंगे सिर्फ गोल्डन कलर आने तक, क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी पका हुआ है तो टाइम बहुत कम लगेगा। देखिए अच्छे सा सुपर्ब सा कलर आया है, देखिए हो गया, पक गया है। अब ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम बिरयानी के साथ खाने वाले हैं, चावल के साथ और टेस्ट लगेगा। चलिए हम इसको साइड में रख देते हैं। फिर हमारा चावल ना अच्छे से पक चुका है, पानी सारा ना सब मोस्टली ऑलमोस्ट सोख हो चुका है, थोड़ा सा ही पानी बचा है। हम इसको दम में डालने वाले हैं ना। इस टाइम में हम क्या करेंगे, जो दाल और प्याज थी ना उसको हम डाल लेंगे, वन साइड में डाल लेंगे। फिर हम इसमें दूसरी साइड में डालेंगे हमारा ज़ैफ़रान वाटर जो हमने पहले से बचा के रखा हुआ था। हम सारा इसमें मिला लेंगे, मिला के इसको हम 5 मिनट्स तक दम में छोड़ देंगे। देखिए हमारी अमेजिंग सी मजबूत रेडी हो चुकी है। हम क्या करेंगे, दाल को ऐसे निकाल के साइड में रख लेंगे, क्योंकि पकाने से ज़्यादा गार्निश करने में बहुत मज़ा आता है ना, देखने में अच्छा लगेगा तो खाने में अच्छा रहेगा। सो इसलिए मैंने सारे दाल को अलग से साइड में कर दिया है, हम इसको गार्निश करने वाले हैं। देखिए हमारा चावल भी खिला खिला और येलोइश ज़ैफ़रान फ्लेवर चावल, मज़ा आ गया। मतलब आपकी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रखिएगा, इस सारे मद में हम दुबई के डिशेस बनाने वाले हैं। अगर आपको कोई डिश स्पेशली चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like mama video, subscribe to Kitchen Fry. For more video, press the bell icon.